हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के टेक स्पाइडर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और एक बढ़िया और यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप साइकिलिंग के एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं तो ये एप्लीकेशन आपके बहुत ही काम आने वाला है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप साइकिलिंग करते वक्त साइकिल का करंट स्पीड, आपने तय की हुई दूरी और साइकिलिंग के दौरान खर्च की हुई कैलोरी काउंट, इन सब की जानकारी एप्लीकेशन आपको देगा। तो इस एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और अंत में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर। यहां पर सर्च करना है अर्बन बाइकर। इसे सर्च करने के बाद यह एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को 1 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग भी है 4.5, जो बेहद ही बढ़िया मानी जाती है। इसे डाउनलोड करने के बाद चलते हैं इस एप्लीकेशन पर और देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने मिलता है, जहाँ पर यहाँ स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। यहाँ पर साइकिलिंग करने के बाद टोटल कितनी दूरी तय की है वो किलोमीटर में बताएगा। इसके नीचे आपका टाइमर होगा जो एक्सरसाइज का टोटल टाइम बताएगा। इसके नीचे यहाँ पर साइकिलिंग के दौरान आपने कितनी कैलोरीज खर्च की है, यानी टोटल कैलोरी बर्न काउंट भी बताएगा। और इन सब के नीचे एक डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है जो गाड़ी की तरह आपकी साइकिल की करंट स्पीड बताएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर पावर एंड एनर्जी पैरामीटर्स। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे आपका कुल वज़न यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर अगर आप कोई वज़न लेकर साइकिलिंग करने वाले हैं या फिर किसी पार्टनर को लेकर साइकिलिंग करने वाले हैं तो उनका भी वज़न यहाँ पर डाल देना है। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब हम साइकिलिंग को शुरुआत कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम साइकिलिंग को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो ये कोई भी आंकड़े नहीं दिखाएगा। स्टार्ट करने के बाद ये आपके साइकिलिंग के स्पीड के हिसाब से यहाँ पर आपका करंट स्पीड, डिस्टेंस और कैलोरी बर्न काउंट दिखाता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसका GPS यानी लोकेशन ऑन रहना चाहिए। GPS की मदद से ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। और आखिर में एक्सरसाइज खत्म होने के बाद स्टॉप बटन को क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये टास्क सेव करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर ये टास्क सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह इस एप्लीकेशन को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसे डाउनलोड करके ज़रूर देखिए और आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।